सबको प्रणाम। आज प्राणायाम के ऊपर बात करेंगे। प्राणायाम को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। कुछ लोग प्राणायाम को योग से अलग समझते हैं, लेकिन प्राणायाम योग का ही एक पार्ट है। योग दरअसल में समाधि का नाम है, योग है समाधि। उस समाधि तक पहुँचने के लिए आपको अलग अलग तरह से प्रयास करने होते हैं। अपने शरीर को साधना होता है, अपने मन को साधना होता है, और यम नियम का पालन करते हुए आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, एक पूरा प्रोसेस है। तो प्राणायाम, आप ध्यान से इस बात को समझ लें कि प्राणायाम योग का एक अंग है, एक स्टेप है। इसके बिना आप आगे बढ़ना कठिन है, क्योंकि प्राणायाम के यदि हम परिभाषा को देखते हैं, प्राणायाम क्या है? प्राण प्लस आयाम। प्राण हमारी जीवनी शक्ति, जितने भी संसार में आप लिविंग, नॉन लिविंग, जितनी भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, उन सब में एक अपना प्राण है। उन प्राणों को हम जब नियंत्रण में करते हैं, उनका आयाम करते हैं, तो प्राणायाम, महर्षि पतंजलि भी परिभाषित करते हैं प्राणायाम को, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदे प्राणायाम, कि आसन की सिद्धि होने पर श्वास प्रश्वास की गति को विस्तार देना, इसको बढ़ाना, इसकी शक्ति को बढ़ाना, प्राण की शक्ति को विस्तार करना ही प्राणायाम है। तो योग में ऐसी प्राणायाम की कई सारी क्रियाएं हैं। इस पर मैं दूसरी वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा कि प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं। तो आप प्राण शक्ति को बढ़ाएं। प्राण शक्ति ही हमारी नाड़ियों की वास्तविक शक्ति है। नाड़ियाँ पूरे शरीर में फैली हुई हैं, पूरा शरीर एक नाड़ियों का ही जाल है। तो अपनी प्राण शक्ति को विस्तार दें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, निरोग बनाएं। इस योग दिवस पर आप योग से जुड़ें और एक संकल्प करें अपने जीवन में योग को अपनाने का। प्राणायाम करें, आप सभी के लिए बहुत शुभकामनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।